2 years and almost 10 murders. I think chala anta serial killers case na career lo kaina vachukoni chudaledu anta series of offense adi murder oka vyakti chesina 10 murders nenu aithe na career lo kuda chudaledu. I think mana ee rashtramlo kuda this must be one of the rarest of rare cases. एक 56-57 साल के बुजुर्ग अपने ही अपार्टमेंट में अचानक गिर पड़े। उन्हें गिरा देखकर आसपास के लोग बुजुर्ग को उठाकर उनके घर पर ले गए। घर के सदस्यों ने डॉक्टर को बुलाने की कवायद की, लेकिन तब तक देखा कि ना तो उनका दिल धड़क रहा है और ना ही सांस चल रही है। वे हाई बीपी और मधुमेह के मरीज थे, इसलिए उनकी मृत्यु स्वाभाविक लग रही थी। शाम तक उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया। ये घटना देखने में जितनी साधारण दिखाई दे रही थी उतनी थी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप देख रहे हैं द चाणक्य। ऐसी ही एक घटना कहीं और घटती है, जहां एक बुजुर्ग महिला अपने दामाद की बाहों में दम तोड़ देती है और दामाद को अचरज होता है कि अभी अभी तो उन्होंने उसके लिए चाय बनाई थी जो कि अभी ठंडी भी नहीं हुई है और उनके प्राण पखेरु हुए थे। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में 2 सालों में ऐसे ही 10 अंधे कत्ल हुए, जिसमें 3 महिलाएं और 7 पुरुष थे, लेकिन सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु को ही संदिग्ध माना गया। कौन था वो कातिल, क्या मकसद था उसका और कैसे इतनी सफाई से वो इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था? इन सब सवालों का जवाब मिला एक ऐसे इंसान की अचानक मौत से जो इस कातिल का आखिरी शिकार बना। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती और पैसा किसे मजबूर नहीं करता। अपनी परेशानियों का आसान हल हर कोई चाहता है। कभी कभी मुश्किलें इतनी ज्यादा होती हैं कि इंसान को के सोचने समझने की शक्ति पर भारी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था पश्चिमी गोदावरी के कटी नागराजू के साथ, जो 16 अक्टूबर 2019 को घर से कुछ नकदी और गहने लेकर बैंक में जमा करने के लिए निकले, लेकिन ना तो बैंक पहुंचे और ना ही घर वापस आए। तलाश करने पर वे सड़क के किनारे गिरे हुए मिले। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके अचानक निधन की सूचना से घर वाले सत्ते में आ गए। उनके घर वालों को उनकी मौत पर संदेह हुआ, क्योंकि नागराजू स्वस्थ थे और उनका कसरती बदन था। उनके भाई श्रीनिवास राव ये मानने को राजी ही नहीं थे कि उनका भाई ऐसे किसी काल का ग्रास बन सकता है, इसलिए उन्होंने कटी नागराजू की संदिग्ध मृत्यु और कीमती सामान व पैसे गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसकी जांच के दौरान एक के बाद एक हैरान करने वाली घटनाओं के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया। नागराजू घर से बैंक के लिए निकले थे, लेकिन उनकी लाश किसी और जगह मिली। साथ ही उनके रुपए और गहने भी नदारद थे। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पोस्टमार्टम में उनकी बॉडी में साइनाइड पाया गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह ने जो बताया, उसने ना सिर्फ नागराजू बल्कि पिछली 9 और हत्याओं की भी पोल खोल दी थी। सीसीटीवी और नागराजू के कॉल डिटेल से मालूम हुआ कि वो किसी सिंहाद्री उर्फ शिवा के संपर्क में थे और उन्होंने आखिरी कॉल भी उसी को की थी, जिसके बाद सिंहाद्री को पकड़ा गया। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर सब कबूल किया। సో వీడికి ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీటితో పాటు షేక్ అమీనుల్లా బాబు అనే రెసిడెంట్ ఆఫ్ విజయవాడ, వీడికి సైనైడ్ అని సప్లై చేశాడు. ఏపీ అయితే నిక్కల్ ప్లేటింగ్ ఒక వర్క్షాప్ ఉంది, ఆ నిక్కల్ ప్లేటింగ్లో ఈ జింక్ సైనైడ్ ఇవన్నీ వాడుతున్నారు. 2 సాల్ పహలే రియల్ స్టేట్ మే నుక్సాన్ హోనే కే బాద్ సింహాద్రీ నే జల్ద్ అమీర్ బన్నే కే లియే యే తరీకా ఆజ్మాయా థా। वो पूजा के बाद चमत्कारिक सिक्का देने का वादा करता और मजबूर लोगों को प्रसाद में साइनाइड देकर कीमती सामान लूट लेता। ये टोकन मनी गोल्ड आर्टिकल्स తీసుకొని బంగారం తీసుకొని విక్టిమ్స్ కి ప్రసాదం ఇస్తాడు।
ఆ ప్రసాదంలో అయితే సైనైడ్ మిక్స్ చేసి ఇస్తాడు. వెంటనే వాళ్ళు తిని విదిన్ 2 to 3 minutes చనిపోతారు విక్టిమ్స్. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ చాలా వరకు అయితే ఈ నేచురల్ డెత్ జరిగిందని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే షికార్ హువే లోగో మే ఉస్కి సాస్ బెహన్ మకాన్ మాలిక్ ఔర్ తో ఔర్ వే లోగ్ భీ థే जिन्होंने उसकी मदद करते हुए उसे कर्ज भी दिया था. सिंहाद्री के घर से नागराजू से लूटे सामान और नकदी के अलावा 16 लाख रुपए और बरामद हुए. साइनाइड शिवा के नाम से कुख्यात इस अपराधी ने लोगों की आस्था और उम्मीद का इतनी निर्दयता से दुरुपयोग किया जो इंसानियत को शर्मसार करता है. वो लोगों के दुख सुनता, उन्हें विश्वास दिलाता है और किसी पूजा किसी मंत्र की सिद्धि की बात करता है. खासकर उसके विशेष आकर्षण वाले सिक्के जो इरिडियम और कॉपर धातु के बने होते थे. वो लोगों को विश्वास दिलाता कि ये सिक्का उनका भाग्य बदल देगा और भोले भाले लोग उसकी बातों में आकर आसानी से उसका शिकार बन जाते. नागराजू को भी उसने सिक्कों का लालच दिया था. उम्मीद वो शय है जो जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और हर इंसान अपनी उम्मीद को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है. एक निराश हताश परेशान इंसान के लिए अपनी उम्मीद को कायम रखने का सबसे बड़ा माध्यम है आस्था. एक अनदेखे ईश्वर से अपनी परेशानी कह देना और विश्वास करना कि वो हमें हमारी मुश्किलों से निजात दिला देंगे उम्मीद बनाए रखने के लिए काफी है. यही नहीं, अटूट विश्वास के चलते ये आस्था चमत्कार भी करती है. लेकिन यही विश्वास यदि किसी गलत जगह हो जाए तो तबाही भी ला सकता है. साइनाइड शिवा का लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ इसी तबाही का सबूत है. आज की कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा. धन्यवाद.